हेलो नमस्कार। बॉलीवुड म्यूजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा 73rd इंडिपेंडेंस डे 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे देशवासियों को जितने प्यार से जितने उत्साह से स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहिए सेलिब्रेट करना चाहिए उतने ही उत्साह से इस आजादी के महत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और पूरे देश में हम स्वतंत्र हैं इसके महत्व को समझते हुए पूरे देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सभी लोग एक साथ जुड़े ताकि हम आजादी के जश्न को और निर्भीक और आनंदित होकर के मना सकें। और विशेषकर मैं अपने सभी सैनिकों को, पुलिस कर्मियों को, बीएसएफ के जवानों को, सबको एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा जिनके बल पर हम सभी देशवासी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाते हैं, आराम से अपने घरों में सो पाते हैं, अपने परिवार के साथ आनंद कर रहे होते हैं। जबकि हमारे जवान जो सीमा पर हैं वो एक छोटे से त्योहार को मनाने के लिए भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। उनको परिवार से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीमा की रक्षा करना इतना आवश्यक और इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें उस तरह की छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो अपने परिवारों से दूर रहकर जान की बाजी लगाकर पूरे देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों को हमारा सैल्यूट बनता है और उन सभी को हम बधाई देते हैं। और उन्हीं के लिए एक उपहार समेत उपहार के स्वरूप मैं एक गाने को हारमोनियम पर बजाकर आपको बताना चाहता हूं और बहुत ही धीमी गति से एक एक लाइन को मैं बजाऊंगा ताकि आप अगर हारमोनियम पर बजाना चाहें, अगर कीबोर्ड पर बजाना चाहें तो आप इसे बजा सकते हैं और सीख सकते हैं। ये स्पेशली मैं सभी सुरक्षाकर्मियों को और अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात हमारे जो सैनिक हैं, नवसेना, थल सेना, वायुसेना, सभी को समर्पित करता हूँ ये गाना। मूवी सॉन्ग है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो इसे हम हारमोनियम पर कैसे बजाएंगे ये मैं आपको आज सिखा रहा हूं। तो बहुत ही धीमी गति से इसे आप सीखेंगे। ये ओरिजिनली जो इसका स्वर है वो है बी, ए सॉरी ए से इसका सा माना गया है, ओरिजिनली यहां से है। तो यहीं से मैं आपको बता रहा हूं इसका जो स्वर होगा वो इस तरह है, सा रे ग म प ध नी सा और शुद्ध नी सा। नी ध प प ध नी सा, ठीक है, ये स्वर है इसके। अब इसे हम कैसे बजाते हैं सो देखिए। सबसे पहला जो म्यूजिक है वो गाना का ट्यून है, ये म्यूजिक सबसे पहले बजता है, इसे ध्यान से आप देख लें।
तो सबसे पहले ये म्यूजिक बजेगा। अगर आप इसके स्वर को जानना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं इसे। संदेश आते हैं, यही म्यूजिक है। पा 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 गा रे रे गा, फिर से पा 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 गा रे रे गा, के घर कब सासानी धाप, सासानी धाप आओगे धानी पाधा, के घर कब आओगे। दो बार बजता है ये म्यूजिक, ये मैं अभी म्यूजिक बजा रहा हूं, ध्यान देंगे आप। इसीलिए संदेश आते हैं का म्यूजिक जो है वो दो बार बजेगा। ये हो गया म्यूजिक। अब यहां से गाना शुरू होता है। सबसे पहले हो हो, ये है जो हम करते हैं। यहां से गाना ये शुरू हो रहा है। अब इसके स्वर को अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से है। हो गा 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 मधा पाए गरे रे गरे सारे मगा, गरे सारे मगा सारे गा सानिधा धरे सा। ये है हो का म्यूजिक। हो संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि घर कब आ सॉरी संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। ये चार लाइन जो है एक जैसा है और इसका स्वरूप, इसका जो सरगम है वो इस तरह ले सकते हैं आप। प प प गा रे रे गा, यही आएगा चारों में। प प प गा रे रे गा, प प प गा रे रे गा, प प प गा रे रे गा, और इस पर ये तीनों लाइन। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे। अब ये जो ट्यून है ये है सासानी धप, सासानी धप धानी पधा, सासानी धपनी सासानी धप धानी पधा, के घर कब आओगे लिखो कब आओगे। तो दो बार है कि घर कब आओगे और लिखो कब आओगे, तो दो बार ऐसे बजाएंगे। ससानी धप धानी पधा, ससानी धपनी धानी पधा, ससानी धप धाप निरे सानी धा, है ना। लिखो कब आओगे मेरे सानिधा, उसके बाद कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अब इसका जो ट्यून है वो है के घर के तुम बिन रे 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 गा गा रे गा गा रे
ये ट्यून है इसका, रे 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 गा रे 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 गा गा रे रे गा गा रे पम पदम पम पगा, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अब इसे फ्लो में देखिए, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, संदेश आते हैं। अब पूरे गाने में कहीं भी अगर संदेश आते हैं का ट्यून है तो उसका सरगम इसी तरह बजेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो अंतरा है वो इस तरह से है, किसी दिलवाले किसी दिलवाली ने, अब ये किसी दिलवा वा किसी दिल वाली ने, अगर आप इनके स्पीड को स्वरों के स्पीड को समझ पाएंगे तो आपके गाने में क्वालिटी भी आ सकेगी। तो ध्यान दें, किसी दिल वा वा है ना, किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। अब देखें फिर से, किसी मत वाली ने किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। अब इसका जो स्वर है वो इस तरह है, प प प प प प ध सा सा रे ग ग रे प प प ध सा सा रे ग ग रे प प प ध सा सा रे ग ग रे 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 सा रे 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 सा। और ये बनेगा, किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। अब देखें, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने। अब इसका जो स्वर होगा वो देखें, ठीक है। सरगम को ध्यान से आप सुने और बहुत ही धीमी गति से एक एक को निकालें। किसी के कंगन में, और उसके बाद फिर उसी तरह शुरू होता है, किसी के कजरे ने
किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मसलती मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने के घर कब आ। अब ये किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने संदेशे आते हैं किए। किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ को समझ गए होंगे, आइए इसके बाद के पैराग्राफ को चलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है आप गाए, ठीक उसी तरह इसके दूसरे पैराग्राफ भी है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है, ठीक उसी तरह, ठीक है। उसके बाद जो लाइन है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप आगे की लाइन को गाए थे। किसी किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, ठीक उसी तरह ये दूसरे लाइन को गाएंगे। हमारे गांवों में हमारे गांवों ने आम की छांव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने, ठीक उसी तरह जैसे आप पहले गाए थे। किसी के कंगन में बरसते बादल ने गगगपगरे सा बरसते बादल ने, और उसके बाद फिर खेत खलिहानों ने, बिल्कुल संदेशे आते हैं की तरह। खेत खलिहानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, तो इस तरह से लाइन को गाएंगे। अब देखिए इस पैराग्राफ में ट्यून थोड़ा सा चेंज होता है। कभी एक ममता की, कभी एक सगा गा मम मपपता की ममता की ममता की गपप रे रे सानी, ठीक है। कभी एक ममता की प्यार की छा प्यार की गंगा की
प्यार की, यहां देखें, पनीनी गंगा सागर सा, पनीनी सागर सा, फिर से देखें, कभी कभी एक ममता की प्यार की गंगा की, फिर उसी तरह चलेंगे दूसरी लाइन, तो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है, नोटेशन मैं बता दिया हूं, आप उसे ध्यान से सुने, फिर से एक बार देखें, कभी एक सागा गा मम सागा गा मम पापा ममता की ममता पापा रे सानी प्यार की पानीनी गंगा सागा गा रे सा, और इस तरह आएगा, कभी एक ममता की प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है, अब आगे देखें, मेरे दिन बचपन के ये है, पामा मेरे दिन पापा माँ बचपन के रे मामा गा, यहाँ तीव्र माँ का प्रयोग हुआ है, मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साथ आंचल का जो टीका काजल का, जैसे आप किसी के कंगन ने गाए उसी तरह हो गए, फिर से देखें, मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का, और फिर उसके बाद वो लोग वो लोरी रातों में, ठीक उसी तरह संदेश से आते हैं, वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में ना, वो लोरी चार पार्ट है, वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ, यही हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना है। अब अगले पैराग्राफ को देखेंगे, इस तरह से है वो, ए गुजरने वाली हवा बता, अब इसका जो नोट है वो है, गामा पा 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 पधा पम पा मागा, मेरा इतना काम करेगी क्या, फ्लो में इस तरह गाएंगे से, ए गुजरने वाली हवा बता,
मेरा इतना काम करेगी क्या। और आगे है, मेरे गांव जा, ध्यान से देखें, मेरे गांव जा, मेरे गांव गरे रे सारे गरे, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। फिर से देखें, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों, सेम टोन है, को सलाम दे। एक बार फिर से देखें पूरे, ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। उसके बाद मेरे गांव में है, सेम नोट है जो आप ए गुजरने वाली हवा बता गा रहे, मेरे गांव में है जो वो गली जहां रहती है मेरी दिल रूबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। ठीक है, एक बार फिर से देख लें ताकि आप समझ सके अच्छी तरह। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव में है जो वो गली जहां रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। फिर उसके बाद ट्यून थोड़ा चेंज होता है, वहीं थोड़ी दूर, ध्यान से देखें, सारे गा, यहां कोमल गा है फिर शुद्ध गा, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, नोट है, सारे गा रे गा गप गा रे सा, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू, नहीं फिर से देखें यहां से, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ,
मेरी माँ के पैरों को छूके तू। ये एक ट्यून देखें ध्यान से, मेरे माँ, मेरी माँ के पैरों को छूके तू। इसका नोट है माँ पधा धा धा नीरस निरसा निधने पापा। फिर उसी तरह उसे उसके बेटे का नाम दे। फिर से देखें यहां से वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छूके तू। उसे उसके बेटे का नाम दे। इतना हो गया। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ है वो ए गुजरने वाली हवा है। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिल रूबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके यूं उन्हें जाके तू ये प्याम दे। तो सही में यहां पर ये गाना समाप्त हो जाता है। तो फिर से इसको देख लें, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिल रूबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। इस सब का नोट्स मैं पहले बता चुका हूं आपको, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। और उसके बाद फिर मैं वापस आऊंगा मैं अपने गाँव में हंसी की छाँव में के माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी की काजल से दिया जो वादा था वो निभाऊंगा कि घर कब मैं एक दिन आऊंगा। तो इस तरह से पूरे गाने का ये नोट्स है। तो अगर आप हर एक पार्ट को ध्यान से देखें तो हारमोनियम के हर कीज को भी आप समझ पाएंगे। और अगर आप स्केल बदलना चाहते हैं तो जैसे मैं नोट्स आपको बताया हूं उस तरह से आप नोट्स बदल कर दूसरे स्केल से भी बजा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और सबसे अधिक बधाई के जो पात्र हैं वो है हमारे सीमा पर लड़ते हुए जवान सैनिक। तो हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और आपका आभार भी प्रकट करेंगे और आपके प्रति श्रद्धा भी नमन करेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, तो एक बार सबसे लास्ट में भारत माता की जय, जय हिंद। फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अंत में एक बार जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।